आज देश के कोने कोने में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम मच चुकी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई यानी कि आज मनाया जा रहा है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही लोगों को हजार यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। मान्यता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर जाते हैं और इसी दौरान इस यात्रा को बहुत ही धूमधाम और बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उड़ीसा के शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ लोग देश के कोने कोने से इकट्ठा होते हैं और रथ यात्रा के भागीदार बनते हैं। यह रथ यात्रा का त्यौहार बाद ही स्थित विशेष मनाया जाता है, क्योंकि पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण बलराम और वहाँ सुभद्रा की पूजा होती है और इनकी काष्ठ की मूर्ति स्थापित की गई है। यह यात्रा लोगों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान इस दिन मंदिर से बाहर जाकर लोगों को दर्शन देते हैं। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुंडिचा मंदिर भगवान कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा का मौसी का घर माना जाता है। यहाँ मौसी बाड़ी में इन तीनों की बहुत आवा भगत होती है और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। भगवान गुंडिचा मंदिर में कुछ दिन रहकर वापस मंदिर लौट जाते हैं। बता दें कि आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रात में विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे और सोमवार या मंगलवार तक वहीं रखेंगे। फिर 16 जुलाई को सभी देव देवता वापस जगन्नाथ मंदिर लौट जाएंगे।